2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया भव्य राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा, ऐसी चर्चा लंबे समय से चल रही है। लेकिन अब तारीख भी लगभग तय हो गई। जी हां, आप यानी श्रद्धालु कब से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, इसकी तारीख सामने आ गई है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल जनवरी के मध्य में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। ऐसे में जब इस पर नृपेंद्र मिश्रा से सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री कब आएंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि राम मंदिर 26 जनवरी से सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। वेल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट डेट बिकॉज दैट वुड डिपेंड ऑन द डेट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर on the last day of Pran Pratishtha, which has not yet been fixed. I should be very categorical that the date has not come from the Prime Minister's house, and we have to respect the decision of the Prime Minister's office in this matter. But it is safe to announce through your ANI, which is most respectable, that the pilgrims would be able to have the glimpse of Lord Ram in his child form definitely before 26th of January 2024. वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि 14 जनवरी को खरमास खत्म हो जाएगा और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का मुहूर्त सामने आया है। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और जो शुभ मुहूर्त है वहीं से शुरू होगा, क्यों तो खरमास जो है 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इसलिए कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से ही प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसी बीच में जो लोगों ने तय किया है शुभ मुहूर्त वह 22 जनवरी है, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के जो दिन है वो 22 जनवरी को है और 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या होगा और उन्हीं के द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान श्री राम लला जी अपने भव्यदिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अब माना जा रहा है कि जनवरी में राम मंदिर खुलने से न सिर्फ श्रद्धालुओं में खुशी की लहर होगी बल्कि इसका अपना राजनीतिक असर भी सामने दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।